दामू दामू ए दामू ए दामू सुनना, चलना खेलने चलते हैं। क्या? खेलने के लिए। खेलने? बच्चों के साथ खेलना बंद। अब मैं कौन हूँ तू जानता है? कौन? दामू। और कौन? दामू और कौन? पहले वाला दामू नहीं, नया दामू हूँ। आज के बाद खेलने नहीं आऊंगा मैं। और खेलने के लिए मेरे पास ये घटिया बॉल लेकर आए हो तुम? दामू दामू भाई बोल बोल दामू भाई, अब निकल, चल निकल मेरे जान। क्या हुआ दामू, बदले बदले लग रहे हो? वो बस ऐसे ही, कुछ नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है तुम बहुत दुख सहन कर रही हो। तुमने कभी भी नहीं सोचा था ना कि तुम्हारा पति गुजर जाएगा, और तुम्हारा नाम भी बहुत खराब हो रखा है। उम्र भी ज्यादा नहीं हुई है। मरना तो चाहती हूँ जल्दी। ऐसी अशुभ बातें मत करो बहन, हाथ की रेखाओं में एक और शादी के लक्षण है। मांगलिक लड़की से अगर कोई मांगलिक लड़का ब्याह करे तो वो राजयोग कहलाता है। माघ महीने में भगवती के मंदिर में अगर पूजा करोगी तो सब कुछ अच्छा होगा। ये लो। दामू अचानक इतनी खुश क्यों हो रही हो? तुम मुझे ऐसे मत बुला, मैंने तुमको कितनी बार बोला है। ठीक है, पार्वती किससे आई हो? हाँ लो। तुम्हारे बालों से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। दामू रुको, यहाँ पोछा लगा दो। इधर लगाओ, यहाँ पे। अंजलि मुझे पसंद नहीं, हाथ छोड़ो। क्या हुआ दामू? अंजलि ऐसे मत करो अंजलि, ये ठीक नहीं है, ये सब अच्छी बातें नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। छोड़ दो ना, छोड़ो। सुबह के साथ साथ प्रैक्टिस रात को भी शुरू करें तो इस बार का कला प्रतिभा का पुरस्कार अंजलि को ही मिलेगा। कुछ भी करो चलेगा, पुरस्कार उसे ही मिलना चाहिए, वही चाहिए। अंजलि नहीं, छोड़ो ना अंजलि, छोड़ो। ये क्या कर रहे हो तुम? क्या मुझे अकेला देख के फायदा उठाना चाहते हो? तेरी तो मालिक जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। तेरी तो चल चल भाग यहाँ से, निकल। मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं। मेरी बेटी को छेड़ता है, मेरी बेटी पर हाथ डालता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई? भाग यहाँ से, ले तेरी बेटी। अगर यहाँ दिखा तो काट के फेंक दूंगा तुझे, चल जा। क्या हुआ दामू? रो मत, बताओ क्या हुआ? मालिक ने मुझे गलत समझा, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जाओगे तुम? नहीं पता। तुम कहीं नहीं जाओगे, इधर ही रहोगे। बेटी वो रूम खोल दो, फिलहाल के लिए ये यहीं रहेगा। माँ कोई बात नहीं बेटा, सोचो मत, दामू है ना। हाँ
अभी ऊपर रखी है। अंदर आओ। दामू, उन्होंने तुम्हें बहुत मारा ना? क्यों मारा उन्होंने? अंजलि की वजह से सब हुआ। मैं अनाथ हो ना पा रहा हूं। कौन बोला तुम अनाथ हो? दादी जी, देवो और मैं सब लोग हैं ना तुम्हारे साथ। उदास मत होना तुम। दादी जी बुला रही हैं। चलो कुछ खा लो। कहाँ है वो? बताओ कहाँ है? माँ बेटी मिलकर इस आदमी को यहाँ पनाह दे रही हो? सारा गांव जानता ही है। या तो ये रहेगा या फिर मैं। श्री मंगलम में दोनों में से एक ही रहेगा। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मुझे अच्छे से पता है क्या करना है, समझे ना? क्या हुआ बेटी, क्या बात है? आपने दामू को क्यों मारा? दामू ने क्या गलत किया? मुझे पता है मेरे इच्छाओं के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। मेरे पिताजी का गुस्सा मुझ पे निकाल रहे हो ना? अब लग रहा है मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ये तुम क्या बोल रही हो बेटी? अगर आप मुझसे प्यार करते हो ना तो उसे मारना मत। क्या हुआ दामू, नदी किनारे अकेले बैठकर क्या सोच रहे हो? नहीं कुछ नहीं। और छोटे पापा मान गए, दामू को यहाँ से कोई नहीं भगाएगा। पार्वती मेरे लिए इतना सब कुछ कर रही हो? वो क्योंकि तुम मुझे बहुत पसंद हो। बेटी कहाँ गई थी तुम? मैं मंदिर गई थी। ये हाथ में क्या है? वैसे भी तुम्हारी उम्र की लड़कियां जब मंदिर से लौट कर आती हैं तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। हट जाओ रास्ते से, मुझे जाना है। अरे ऐसे कैसे हट जाऊं? क्या बात है पारुकुट्टी, बहुत जोर लगा रही हो। मुझे जाने दो। मैं तुम्हें अक्सर दामों के साथ देखता हूँ, नौकर मालिक से बढ़कर होता है क्या? छोड़ो। ये देखो, किसी को अच्छी सलाह दो तो सुनती ही नहीं, मुझ पर चिल्लाती है। अमेरिका से आई है ना? दादी जी, पारू क्या हुआ बताओ बेटी।